आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सिंपल टेस्टी और हेल्दी रेसिपी छोले भटूरे की। क्विक रेसिपी है, फटाफट बन जाएगी और साथ ही साथ ये हेल्दी भी है। आपको लग रहा होगा छोले भटूरे और हेल्दी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पता चल जाएगा। आइए मेरे साथ बनाते हैं टेस्टी छोले भटूरे। छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 कप पानी एक पैन में डाल के गैस पर चढ़ा दिया है। उसमें मैंने डाला 1 छोटे चम्मच नमक का। यहाँ पर मैं हरी मटर के छोले बना रही हूँ, तो हरी मटर को मैंने धो के साफ़ कर लिया है। अब इसको यहाँ पे मैं बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ। पहले से बॉईल करने से क्या होता है कि छोले में मटर जल्दी पक जाती है और हमारा थोड़ा टाइम बचता है। और इसको हम 5 मिनट तक पानी में उबाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और मटर हमारी बॉईल हो चुकी है। अब यहाँ गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है छोले का मसाला तैयार करने के लिए। इसमें मैं 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसको गरम होने देना है और तेल जैसे गरम हो जाएगा इसमें 1 टीस्पून मैंने जीरा डाला है और साथ ही मैं इसमें 1 तेज पत्ता डाल रही हूँ। इन दोनों को भुनने देना है। जैसे ये भुन जाएंगे इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके रखा है उसको डाल दिया है। इसको एक बार अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर लेना है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भुनने देना है। यहाँ पे देखिए प्याज भुन चुकी है। अब इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 हरी मिर्च, 6 से 7 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी हरी धनिया डाल के मैंने इसकी एक प्यूरी सी बना ली है। अब इसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक भुनने देंगे। फिर देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम एक एक करके सारे मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, साथ ही 1 टीस्पून मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून छोले मसाला और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और ढक करके हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देना है। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले को एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है, इसमें से ऑयल अलग होने लगा है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बार पानी को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मसाले और पानी एक साथ मिक्स हो गए हैं। अब इसमें जो मटर हमने बॉयल करके रखी थी उसको भी डाल देना है और साथ ही हमें डालना है नमक स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमें ढक के 8 से 10 मिनट तक मटर को ग्रेवी के साथ पकाना है। यहाँ पे देखिए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और एक बार हम छोले को चेक कर लेते हैं। कितना टेस्टी लग रहा है ये छोला देखने में। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और छोला अब हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। छोला हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैंने कुछ हरी धनिया की पत्तियाँ काट के डाल दी हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और फटाफट भटूरे बना लेते हैं। भटूरे का आटा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा और मैंने लिया है 1/2 कप गेहूं का आटा, साथ ही मैंने लिया है 1/2 सूजी, नमक 1 छोटे चम्मच और चीनी 1 छोटे चम्मच। इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटे चम्मच इनो, जो प्लेन आता है वो मैं 1 छोटे चम्मच डाल रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दही। दही डालने के बाद इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो यहाँ पे हम गुनगुने पानी का यूज़ करेंगे इस आटे को गूंथने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। गुनगुना पानी डालने की वजह से आटा जल्दी सेट हो जाएगा और अच्छे से फूल भी जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को गूंथ लेंगे। और यहाँ पे देखिए आटे को मैंने गूंथ लिया है। अब इसके ऊपर मैं 1 चम्मच तेल डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे रिफाइंड तेल डाला है। इसको डालने से आटा स्मूद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको मैं एक गीले कपड़े से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी।
यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आटा भी देखिए यहाँ पे फूल चुका है। एक बार इसे और गूथ लेंगे और अब ये भटूरे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसकी हम लोइयां बना लेंगे। लोइयां बनाने का मैं आपको हलवाई का तरीका बताती हूँ। ऐसे अगर हम हाथों से दबा के आटे को लोई बनाएंगे तो बराबर बराबर साइज की सारी लोइयां बनेंगी। ऐसे हम सारी लोइयां बना लेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। उसके लिए मैंने हल्का सा सूखा मैदा छिड़क दिया है प्लेटफॉर्म पे। अब इस पे इन लोइयों को रख के हम बेल लेंगे। गेहूं का आटा डालने की वजह से इसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे सिर्फ मैदे का रहता है तो वो खिंचता बहुत है और चिपकता है। गेहूं का आटा डालने की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इसको हम बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने दो भटूरे बेल के रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने भटूरे को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गैस पे चढ़ा दिया है। भटूरे को फ्राई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि तेल बहुत तेज गर्म होना चाहिए। अगर तेल कम गर्म होगा तो भटूरे नहीं फूलेंगे। यहाँ पे देखिए तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं भटूरे को डाल दूंगी। भटूरे को हल्का हल्का दबाना है तेल के अंदर, बहुत ही हल्के हाथ से। और जैसे ही भटूरा फूलना शुरू करेगा साइड से तेल डालना हम शुरू कर देंगे। ये सब छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर इनको हम फॉलो करें तो भटूरे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये देखिए अब भटूरे फूलना शुरू हो गए हैं। अब इसको दबाना बिल्कुल नहीं है, साइड से तेल डालना है इन पे। और ये देखिए कैसे बलून के जैसे भटूरा फूल गया है यहाँ पे। और देखिए एक साइड से भटूरा रेडी हो चुका है। और ये भटूरा खाने में इतना टेस्टी लगता है। ये तेल सोखता नहीं है तो ऑयली नहीं लगता है, और आटा है और सूजी है तो ये हेल्दी भी है, और टेस्टी तो कमाल का होता है। आप एक बार इसे खा के देखिएगा। और ऐसे ही करके हम सारे भटूरे तल लेंगे। ये देखिए और ये देखिए यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म भटूरे और हरी मटर के छोले बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बताने की कोशिश की है और साथ ही साथ टेस्टी और हेल्दी भी है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।